नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद देश भर में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए और हिंसात्मक प्रदर्शनों के अब सामान्य स्थिति में पहुंचने के बाद देश भर में हिंसा को अंजाम देने वाले लोगों और संगठनों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी के तहत सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चालू हो गई है। आपको बता दें कि इन हिंसक आंदोलनों के नेतृत्व के तौर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की संदिग्ध भूमिका पाई गई है, जिसके बाद भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया गया है। और इसी के तहत मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए हिंसक झड़पों को लेकर के भी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इरफान उल हक को गिरफ्तार करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस के द्वारा इरफान उल हक के खिलाफ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और हिंसक प्रदर्शन के लिए मामला दर्ज कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिला जबलपुर की जानिब से एक प्रदर्शन सीए कानून के खिलाफ, नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ निकाला गया। अमित शाह जो लगातार एनआरसी का भय पूरे भारत को दिखा रहे हैं, इसके विरोध में ये रैली थी। और आज रैली ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देकर शांतिपूर्वक हमारा ये प्रोग्राम संपन्न हुआ और हम तमाम आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाम इरफान उल हक, प्रदेश अध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। एसडीपीआई संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है इरफान उल मुल्क, उनको इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और नामजद किया गया है। उनकी जो भूमिका है उसकी जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएगा, संगठन के और लोग भी जो इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सर उन्होंने हिंसा भड़काई थी, उन्होंने वो जांच का विषय है। हमारा हमने नामजद किया है तो विवेचना में सारी चीज़ें आएंगी। उस संगठन में और कौन से लोग हैं और इनकी क्या भूमिका है, ये सब हमारी विवेचना का विषय है। संगठन को लेकर कोई इनपुट है क्या, इंटेलिजेंस इनपुट किसी तरह? वो हमारा इंटेलिजेंस है, वो हम उस पर हर तरीके से काम करते हैं। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अपनी इंटेलिजेंस इनपुट रहती है और वो मीडिया में शेयर करने योग्य है। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।